हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूं दोस्तों आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं द 17 बैच फ्लावर मेडिसिन हॉर्नबीम के बारे में। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियोस में मैं सारी बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में बता चुकी हूँ, उसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ हॉर्नबीम मेडिसिन। सबसे पहला पॉइंट, ये एक ऐसी मेडिसिन है, ये आपकी मेंटल टॉनिक है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप सुबह उठते से ही बहुत थका थका महसूस करते हैं, थकावट भरी सुबह, आप बेड पे लेटे लेटे आपको उठने का ही मन नहीं करता, तो हॉर्नबीम मेडिसिन आपके अंदर इतनी थकावट है दोस्तों, जबकि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी की टॉनिक्स भी ले रहे हो, एनर्जी के ड्रिंक्स भी ले रहे हो, पर फिर भी आपके अंदर मेंटल थकान इतनी ज़्यादा है कि आपकी सुबह कभी फ्रेश होती ही नहीं, तो मेडिसिन इज़ हॉर्नबीम दोस्तों। क्या दोस्तों आप रात भर दिन भर सिर्फ थकावट महसूस करते रहते हो? द मेडिसिन इज़ हॉर्नबीम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेडिसिन हॉर्नबीम इज़ द उसमें मेंटली थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, नॉट ओन फिजिकल नहीं रहती, उसमें मेंटली थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट को क्या होता है, वो अपने अंदर फ्रेशनेस फील नहीं करता है दोस्तों। तो एक मेंटल टॉनिक की तरह हॉर्नबीम काम करती है दोस्तों, जो आपके अंदर के मानसिक थकावट है, मेंटल फटिगनेस है, वो रिमूव करने का काम करती है हॉर्नबीम मेडिसिन दोस्तों। ये कैसी मेडिसिन है दोस्तों कि जब आपको ना एक ऐसा पेशेंट होता है दोस्तों, वो है ना डॉक्टर के पास भी जाएगा तो कहेगा बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी थक जाता है, मतलब कोई काम करने से पहले ही सोचता रहता है मेंटली तौर पे कि उससे होगा ही नहीं, उसको करना नहीं होगा ही नहीं, तो ऐसे में आपको दे देना चाहिए हॉर्नबीम मेडिसिन दोस्तों। देखिए, बहुत अच्छी मेंटल टॉनिक है, आपके अंदर की मानसिक थकावट जो है, मेंटल वीकनेस जो है, इसको रिमूव करने का काम करती है ये हॉर्नबीम मेडिसिन दोस्तों। कि आपकी ना सुबह फ्रेश कभी होती ही नहीं, हमेशा आप लेटे लेटे पड़े रहते हो, उठने की हिम्मत ही नहीं होती दोस्तों। ये पॉइंट्स हो गए हॉर्नबीम के। एक और ऐसा पॉइंट है हॉर्नबीम का दोस्तों कि काफ़ी सालों से आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कुछ लेडीज़ जैसे काफ़ी टाइम से खाना बना रही हैं, वो पहले मेरे पास आती हैं, मुझसे कहती हैं डॉक्टर साहब कि वो पहले 20-25 लोगों का, मतलब इतने मेहमानों का खाना क्विकली जल्दी से बना लेती थी, उनको कभी थकावट नहीं होती। अब अगर उनको पता चलता है कि उनके घर में 4 मेहमान भी आने वाले हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती हैं कि अब इतने 4 लोगों का वो खाना कैसे बनाएंगे। मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं दोस्तों, वो कहती हैं पहले तो वो 20-25 लोगों का खाना बना लेती थी, अब 4 में ही उनको ऐसा लगता है कि वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये काम वो काफ़ी सालों से कर रही हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा ऊब चुकी हैं एक ही काम कर करके, मेंटल थकान उनके अंदर हो गई है, तो ऐसे में उनको हॉर्नबीम देने से उनके अंदर की गई हुई एनर्जी वापस आती है दोस्तों। एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट कि काफ़ी सारे लोग ऑफिस में या फिर एक ही टाइम टाइपिंग बहुत सारा काम करते हैं ना, मेंटली थकान हो जाती है, तो ऐसे में ना हॉर्नबीम को मंडे रेमेडी भी कहते हैं दोस्तों। मंडे रेमेडी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि संडे के आने की वजह से जो आई है आपको थकान, आपके अंदर फटिगनेस आ गई है, उस मेंटल थकान को रिमूव करने का काम करती है हॉर्नबीम मेडिसिन दोस्तों। हॉर्नबीम मेडिसिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है, जो पहले से उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि मतलब अब वो ना एग्ज़ाम देने से पहले से ही सोच लेंगे कि वो एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स में जो मानसिक थकान आ गई है, मतलब क्या हुआ है उनको दोस्तों, उन्होंने काफ़ी सारी पढ़ाई की है, वो फिज़िकली वीक नहीं है इंसान, मेंटली थक चुका है, मतलब कर कर के थक चुका है, बच्चा भी होना तो पढ़ पढ़ के थक चुका है, अब उसकी आपका बच्चा भी है ना काफ़ी पढ़ पढ़ के थक चुका है, वो एक ही काम कर करके, तो स्टूडेंट्स की भी मेंटल वीकनेस रिमूव करने का काम करती है हॉर्नबीम मेडिसिन दोस्तों। अनदर जो इसका पॉइंट है दोस्तों कि आपको जैसे कोई डिसीज़ हुई होगी, कोई बीमारी हुई होगी, उस बीमारी के बाद आपको रिकवर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसे रिकवर करने में काफ़ी लोगों में, काफ़ी पेशेंट्स में जो है मेंटल एक वीकनेस आ जाती है, मेंटल एक क्या कहते हैं, एक थकान आ जाती है, तो उस थकान को रिमूव करने का काम करती है हॉर्नबीम मेडिसिन दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है दोस्तों कि बिकॉज ऑफ थकान वो रात में दोस्तों साउंड स्लीप, मतलब खर्राटे लेने लगते हैं दोस्तों, तो ऐसे में अगर आप हॉर्नबीम लेंगे तो इन सारी समस्याओं से आप ठीक हो पाएंगे दोस्तों। क्योंकि पेशेंट को क्या हो जाता है, पहला तो पॉइंट यही है कि मेंटली बहुत वीक हो गया, फिजिकली नहीं है दोस्तों, मेंटल टॉनिक की तरह काम करेगी हॉर्नबीम। दूसरा ये है कि काफ़ी सालों से वो काम कर करके ऊब गया है, इसलिए अब उसकी इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि उसकी वाइटलिटी पहले इतनी थी, अब वो इतनी हो गई है, नीचे डाउन हो गई। मैंने आपको लेडीज़ का भी एग्जांपल बताया, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो काफ़ी सारा उनको जिम्मेदारियों का बोझ था, अब वो जिम्मेदारियों से ऊब चुके हैं,
तो ऐसे में भी हॉर्नबीम काफ़ी अच्छा काम करती है। अनदर जो पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे आपने टीनेजर्स या फिर बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे टालते रहते हैं कि कल करेंगे, कल वॉक करेंगे, पक्का कल से वॉक करेंगे, पक्का ही करेंगे। मतलब वो तो टालते चले जाएंगे, टालते चले जाएंगे, क्योंकि वो मेंटली बहुत वीक है, उनको टालने की आदत हो गई है। तो ऐसे में हॉर्नबीम उनकी मानसिक ताकत को बढ़ाने का काम करती है। अ ब्रेन टॉनिक इज़ अ हॉर्नबीम दोस्तों, मेंटल टॉनिक दोस्तों, जो आपकी खोई हुई ताकत है वो वापस लाने में काम करती है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है, एक मेंटल टॉनिक की तरह आपको पावर देती है दोस्तों। हॉर्नबीम मेडिसिन जब भी आप लें, तो हॉर्नबीम के साथ आपको ऑलिव भी लेना चाहिए, कि ऑलिव भी एक टॉनिक की तरह काम करती है। ऑलिव आपको फिजिकली भी, अगर आप वीक होने लगो ना, तो ऑलिव के साथ आप हॉर्नबीम ले सकते हो। हॉर्नबीम को तो दिन और रात, शाम और दिन थकावट थकावट महसूस होती है, और ऐसे में आप ऑलिव का साथ दोगे तो दोनों मिलकर बहुत अच्छे से आपकी बीमारी को, आपकी थकान को, आपकी कमज़ोरी को भगा देंगी देती हैं। आई होप आप हॉर्नबीम को अच्छे से समझ गए हो दोस्तों। आगे की वीडियोस में हम और भी बैच ऑफ मेडिसिन के बारे में बताएंगे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।